कोलंबर के समीप शनिवार की सुबह दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। मृतक की पहचान बाबा नगर के रहने वाले अधिवक्ता संतोष दुबे के पुत्र गोपाल दुबे 20 वर्षीय के रूप में पहचान हुई। दूसरी तरफ हत्या के आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। वहीं टायर जलाकर आगजनी भी की। आक्रोशित लोगों ने वहां के यात्रियों से बदसलूकी भी करना शुरू कर दिया और दुकानदारों को बोला कि दुकान अपनी अपनी बंद कर ले। उपद्रवियों ने सारी दुकानें भी बंद करा दी। दरअसल आज सुबह 9:30 बजे के आसपास हुई हत्या के बाद युवक के परिजन प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस अपराधी को नियंत्रित करने में विफल रही है, जिसका यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रण करने पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक शेषव यादव को भी भीड़कोप का शिकार होना पड़ा। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने आक्रोशित घटनास्थल पर मौजूद भीड़ को देखते हुए उन्होंने भी पीछे हटकर अपना फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण करते हुए जगदीशपुर और कुलड़िया गांव के बीचों बीच बरौनी से आगरा जा रही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चोरी की घटना में हड़कंप मचा दिया। चोरों ने बहुत ही चालाकी से कुलड़िया सिवान के बीच खेत पाइपलाइन से तेल की चोरी की। चोरी के बाद पाइपलाइन से लगातार रिसाव जारी था और वहां के अगल बगल के खेतों में भी फैलने लगा, जिसके बाद वहां तेल लेने के लिए ग्रामीण पहुंचने लगे। देखते ही देखते वहां तेल की लूट मच गई। सुबह 7 बजे के लगभग जानकारी मिलते ही बक्सर के SDM, SDPO, BDO, CO प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वहां पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। इस बाबत सदर अनुमंडल अधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है। साथ ही घटना स्थल को पुलिस कर्मियों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। हेलो जाके गधा का लंडे को ले जाओ घर का कागज पत्तर भी जांच किया जाएगा, इसलिए आप लोग ट्रैक्टर लेकर चले जाएं। कृषि कार्य के लिए है, उसको व्यवसायिक कार्य में उपयोग नहीं करें। छोटे बच्चे घर चले जाएं और जाकर पढ़ाई करें। और विषय रहेगा कि तेल का रिसाव कैसे रोका जाता है, जाकर पढ़ाई करो। वहां पे है, वहां पे जा जा जा, भाग जल्दी भाग। उच्च स्तर से कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी मामला है उसका अनुसंधान किया जाएगा और जो भी इस तरह के कार्रवाई पकड़े उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम और DSP साहब यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। गांव वालों की काफ़ी भीड़ थी, उन लोगों को समझा बुझा कर और हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड एरिया में कवर कर दिया है। हम लोग सारी तरह से यहाँ पर पुलिस बल की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भी इसको बुलाया गया है यहाँ पर लगाने के लिए और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि IOC के जो भी कर्मचारी को यहाँ पहुँचना है, उनके कर्मचारी यहाँ पर हैं। नारद जी लाइजनी हम लोग कर चुके हैं, वो आरा पहुँच चुके हैं और बस इन्हीं आने का इंतजार कर रहे हैं और आगे की जो प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी। सर ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये तो ये बरौनी टू कानपुर है और इसको अब ये किस तरह से हुआ रिसाव, ये तो जांच का विषय है। और क्या लगता है, चोरी है कि रिसाव है? अब ये तो पुलिस अनुसंधान का विषय है, इस पर मामला भी दर्ज किया गया है। पता चल रहा है गड्ढा खोद करके पाइप काटा गया है।
और इस पर अनुसंधान किया जाएगा पुलिस के द्वारा और उसमें जो भी इसमें आएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। गांव वालों द्वारा काफी तेल ढोया गया है यहां से, कवर होगा जैसे ही हम लोग को ऐसे जानकारी मिली और थानों पे मिले, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और गांव वाले अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगल बगल नहीं है और सभी लोगों से अपील करके खुद मैंने माइकिंग कर करके उनको गाँव में वापस कराया। लगभग कितने बजे की घटना है? अब ये तो सुबह हम लोग को 7:30-8 बजे के आसपास जैसे जिला पदाधिकारी महोदय और लोगों से जानकारी मिली हम लोग तुरंत प्राप्त कर गए हैं यहाँ पर और देख रहे हैं अभी हम लोग इसी में लगे हुए हैं। बहुत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर एनएसएसजी बक्सर के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन साक्षरता एवं डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी के लिए किया गया। आयोजन में इंदिरा उच्च विद्यालय, एमपी उच्च विद्यालय, पीसी कॉलेज एवं एमबी कॉलेज के एनएसएसजी कैडेट शामिल थे। रैली को 30 बिहार बटालियन एनएसएसजी बक्सर के कमांडिंग ऑफिसर जनरल पीएल जय नारायण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता और डिजिटल दुनिया पर आधारित था जिसके बारे में लोगों को रैली के माध्यम से जानकारी दी गई। आप लोग किनारे खड़े हो बातचीत करते हो आज जो है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और ये यूनेस्को द्वारा जो है ये दिवस जो है घोषित किया गया है। आज का थीम या इस साल का थीम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड द डिजिटल वर्ल्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो मतलब राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और डिजिटल दुनिया, आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है डिजिटल गया हुआ है, कैशलेस इंडिया का कैंपेन वगैरह चला हुआ है। तो हमने जो है ये गांव-गांव में जो है ये जागरूकता लाना है कि डिजिटल इंडिया का क्या महत्व है, इसलिए जो है इस टाइम जो कैंपेन जो है हम गाड़ी ले जाके गांव-गांव में जो है इसका प्रचार कर रहे हैं। बक्सर वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बक्सर वासियों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे जो हैं डिजिटल दुनिया में हैं, लोग बुजुर्ग हैं और अपने बच्चों के साथ जो है मेल मिलाप रखना चाहते हैं और जब तक वो डिजिटल दुनिया में नहीं है अपने बच्चे के साथ मिलाप रखना मुश्किल है। जैसे कि किसी को व्हाट्सएप करना आना चाहिए, स्काइप करना आना चाहिए ताकि अपने बच्चे जो दुनिया में फैले हुए हैं, कोई विदेश में है, कोई गांव में है, तो ये अगर ये डिजिटल दुनिया अपना लें तो वो अपने डे टू डे कारोबार अपने बच्चे को सूचित कर सकते हैं और इसमें घर चलाना भी आसान हो जाता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हर घर घर में जो है डिजिटल जो है दुनिया जो है आना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा जो सरकार जो है ये इसमें भी एक इनके थोड़ा हेल्प करना चाहिए ताकि किसी माँ जो है अपने बेटे के साथ समझो कि कोई बैंगलोर में काम कर रहा है बक्सर से वो बात कर सकती है, उसको लाइव देख सकती है, तो इसमें कितना तब्दीली हो सकती है।